ग्रह है। छह सालों में उनकी मुहिम बिहार के आम जनता के लिए नासूर बन चुकी है। 6,32,000 दलित गरीब जेल में जा चुके हैं। क्या एक भी नेता, पदाधिकारी या अन्य संस्था के लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या उन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या सिर्फ गरीब दलित ही जहरीली शराब से मरता रहेगा? क्या यह शराब दलित, गरीब और अत्यंत दीन दुखियों के लिए ही मारने की तैयारी की है? जब भी बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे हैं, उसमें लगभग 99% लोग या तो दलित होते हैं, या तो अत्यंत दीन गरीब होते हैं, या तो मजबूर लोग होते हैं। ये 6,32,000 लोग में कोई पैसे वाला, कोई नेता, कोई बेचने वाला, कोई माफिया या कोई पदाधिकारी क्यों नहीं है? मेरा आग्रह है कि जब देश में जिन जिन स्टेट ने दारू बंदी के बाद उसे वापस लिया, इवन ए गुजरात जहां गांधी जी का है, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना के बाद इतना लगातार देश और दुनिया में जब हमारी इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी है, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है, आम आदमी के पैसे थाने और वकील और कोर्ट में जा रही है, जेल में रहने के बाद उसका परिवार बिखर गया और लगभग जहरीली शराब और अन स्मैक ड्रग से लोग मर रहे हैं। शराब तो शराब, लगभग 95-98% यूथ के हाथ में ड्रग्स, स्मैक्स और कोरेक्स जा चुका है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्मैक और ड्रग्स बाजार बिहार बन चुका है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।